चलो मुलाकात होती है. स्लिप में खड़े थे कामरान अकमल कीपर थे. तो बहुत देर बैटिंग हुई थी, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट दिनेश कानिया डाल रहा था पैड पे. तो मैंने इंजी भाई को बोला, मैं इंजी भाई उसको लॉन्ग ऑन के ऊपर बुला लो. तो पूछे क्यों, मैंने कहा मुझे छक्का मार रहा है. तो वो हंसे, बोले तू मजाक कर रहा है. तो मैंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बोल बुला लो और दूसरे पीछे भेज देना अगर नहीं मारा. तो उन्होंने लॉन्ग ऑन को मिड ऑन बुलाया, दिनेश कानिया ने बॉल डाली, मैंने छक्का मारा, उन्होंने पीछे भेज दिया. तो कनेरिया गुस्सा हो गया कि ये ऊपर क्यों बुलाया. तो पूछा मंजू भाई उसको ऊपर क्यों बुलाया, करा तू बोल कर. तो उसे पता ही नहीं कि स्टोरी क्या थी. तो आई नेवर फेस शोएब अख्तर, बट आई हैव सीन हिम इन अ गेम इन द अम्बुला अगेंस्ट पाकिस्तान. आई गॉट आउट, आई कुडंट फेस हिम, बट आई सॉ हिम बोल एंड ही लुक्ड, इवन एट यू नो द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ हिज करियर, ही लुक्ड वेरी लीथल. तो वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बॉलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो. इंजी भाई ने 100 बनाया था, 100 आसानी से, ऐसा लगता है कि नींद से उठ के 100 बनाते हैं इंजी भाई भारत के सामने. तो वो बहुत बेहतरीन टूर था, इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है. तो उस टूर का याद अभी भी हमारे साथ हैं. और जब भी ये पाकिस्तान इंडिया के टूर्स कैंसिल हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार एक बार उस टूर पे आप पहुंचे नहीं, अगर उस टूर पे आप पहुंचते तो कभी इस ऐसे क्रिकेट कैंसिल नहीं हो सकता. सेवाग विकेट पे खड़ा हो जाता था, इसके लिए ना स्कोर रोकना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना ना बहुत मुश्किल है. मैं ये कहता था कि ना इसकी अपनी इज्जत है ना ये किसी की इज्जत करता है. इसमें जो क्वालिटी थी वो ये थी, यानी कि इतना तेज खेलता था, कोई थोड़ा स्कोर करता था स्कोर भी फिर हमारे खिलाफ 200-200 करता था. शोएब अख्तर और ब्रेटली, हु वाज क्विकर? शोएब अख्तर. शोएब, नो डिबेट.